नमस्कार, आशा है आपका दिन मंगलमय जा रहा है, आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार, आपका आस पड़ोस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे कि डिसिप्लिन क्यों जीवन में बहुत महत्व देता है और क्यों जो लोग डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाते। तो डिसिप्लिन का मतलब एक सही रास्ते में सही इच्छा शक्ति से काम करना, उस तरीके से काम करना जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। अगर आप 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा 8 बजे रात में सोने का। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे आपकी इच्छा शक्ति है। आपके दोस्त शायद आपको 8 बजे घूमने के लिए बोलें, अगर आप 8 बजे घूमने जाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर देंगे, तो आप डिसिप्लिन लाइफ कोई भी नहीं जी सकता। आप क्या, तो डिसिप्लिन इज मस्ट रिक्वायर्ड टू शेप द लाइफ, टू मेक द लाइफ एंड टू मेक द सोसाइटी। और मेरे उससे यही कहना है कि जब हमारे जवान लोग सियाचिन के बॉर्डर में -40-50 में, जहाँ साइंटिस्ट कहते हैं कि 40-50 जो हमारी ठंड है माइनस, वो हमारी हड्डियाँ चटका देती हैं, वो लोग भी जीते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, अपनी जान लगा लेते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। रेगिस्तानों में जहाँ आपका गर्मी 50-50 आपका प्लस में चले जाता है, वेदर जिसमें साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मास पिघल जाता है, वहाँ वो लोग हमारी सुरक्षा करते हैं और फुल डिसिप्लिन के साथ। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि नहीं, आज 8 बजे की जगह मैं 10 बजे पेट्रोलिंग करता हूँ, मेरे घर में कोई कार्य है, मेरे दोस्त बुला रहे हैं। अगर वो भी ऐसा करेंगे तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो जब इतनी कठिन परिस्थितियों में इंसान डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है, तो अगर हम ना करें तो हम लोगों के ऊपर एक शर्म की बात है। तो डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन कुछ भी करने के लिए आपको जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? इच्छा शक्ति, इच्छा संकल्प, ये जो अंतर संकल्प है वो चाहिए। अगर वो नहीं होगा, आपको कोई गुरु कुछ नहीं समझा सकता, आपको कोई परिस्थितियां कुछ नहीं समझा सकती। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति होगी तो आप जीवन में गिरेंगे भी तो उठेंगे। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी पीसफुल बैलेंस्ड प्रॉपर लाइफ। तो अब निर्णय आपके हाथ में, आपको किस तरीके से जीना है, डिसिप्लिन से या व्यर्थ में। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, और सीखिएगा ही, वीडियोस में नुक्स मत निकालिएगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, और आशा रहती है कि उस शब्दों से हम आपको दिशा दे सकें। तो आपका दिन मंगलमय हो, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा भरोसा है, आशा है। नमस्कार।